बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आम डॉक्टर मोहम्मद सजाद। पाकिस्तान में माशाल्लाह शुगर बीट यानी ये जो चीनी वाला चिकंदर है इसकी काश्त आस्ता आस्ता बढ़ रही है, तो दुनिया में भी मसला है एक शुगर बीट में कि जो जड़ी बूटियां कंट्रोल करना है वो एक चैलेंज है, और स्पेशली पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहूँगा साउथ इंडिया में भी हमारे पास यहाँ कोई शुगर बीट की प्रॉपर वीडिसाइड नहीं है। स्टार्ट में यानी प्री इमरजेंस के तौर पे एस्मेटाला क्लोर वगैरह यूज़ की जाती है, उससे कुछ अर्सा फसल महफूज रहती है जड़ी बूटियों से, फिर जड़ी बूटियों की बरमार हो जाती है, फिर मैनुअल लेबर के थ्रू वो जड़ी बूटियाँ रिमूव की ख़त्म की जाती हैं, और वो कास्ट बहुत बढ़ जाती है। इवन ये कास्ट और सारी मेहनत खर्चा करने के बाद भी फसल पे आप देखें ना, जब मिर्ची क्राप आखिरी महीने में होती है तो क्राप से ऊंची ऊंची उसमें जंगली पालक और बाथू और दूसरी जड़ी बूटियां नज़र आती हैं। तो मैंने यूरोप में देखा है ये स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस में, तो वहाँ पे इवन टर्की में, वहाँ तो बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी मार दवाएँ शुगर बीट के लिए अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान में यहाँ हमारे यहाँ और साथ क्रॉस बॉर्डर इंडिया में प्रॉपर जो शुगर बीट वीडिसाइड है जड़ी बूटी मार जहर शुगर बीट की जड़ी बूटियाँ ख़त्म करने के लिए वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। और शायद इसकी रीज़न बहुत सारी रीज़न होगी, एक रीज़न ये है कि अभी कंपैरेटिवली एरिया हमारे वहाँ थोड़ा है, 20,000 एकड़, 15,000 एकड़, आप देखें उधर स्वीडन, डेनमार्क 5-5 लाख एकड़ पर काश्त होता है, तो वहाँ शायद वो इकोनॉमिकल पड़ता है, इसलिए वो कंपनियाँ वहाँ मार्केट करती हैं। अभी इसका जो हल है ना जी, वो है ज़बरदस्त मैकेनिकल वीडिंग, मशीन के ज़रिए जड़ी बूटियों का खात्मा। ये छोटा ट्रैक्टर जॉनडियर का है, उसके थ्रू अभी इस वीडियो में मैं आपको 3 मुख्तलफ जो मशीनें हैं या इम्प्लीमेंट हैं उनके ज़रिए से बताऊंगा कि कैसे ज़बरदस्त तरीके से जड़ी बूटियाँ ख़त्म होती हैं, और ना सिर्फ ये कि जड़ी बूटियाँ ख़त्म होती हैं, सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ती है, और फिर रूट ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, और रूट का वेट ज़्यादा बनता है, न्यूट्रिएंट अपटेक ज़्यादा हो जाता है ना जी, और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है, प्लांट हेल्दी होता है। तो इसमें इस वीडियो में आप 3 तरीकों से देखेंगे कि मैकेनिकल जो वीडिंग हो रही है, एक वो तरफाली या कल्टिवेटर के ज़रिए, दूसरा आप समझ लें कि ये जो रोटावेटर टाइप वीडिंग मशीन है उसके थ्रू, और तीसरा ये जो हैंड मतलब कंट्रोल्ड बैटरी ऑपरेटेड यानी हाथ से चलने वाली वो बैटरी वाली जो मशीन है उसके थ्रू। ये 3 तरीके हैं, और आप फिर इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं आपको जो है हम 5 से 7 दिन की फसल पर भी दिखा रहे हैं ये अमल, कोई 30 दिन की उम्र जो है 30 डेज़ क्रॉप उस पर भी आप देखेंगे, देन इवन 60-70 डेज़ का काफ़ी बड़ी हो गई है, तो उस पर भी आप ये जो है मैकेनिकल तरीके से जड़ी बूटियाँ कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत आप देखेंगे क्राप भी हेल्दी है और जड़ी बूटियाँ बड़े अच्छी तरह कंट्रोल हो रही हैं। तो आप ये वीडियो देखिएगा, फिर आपके कोई क्वेश्चन हो तो ये कमेंट्स में आप लिखिएगा, तो आई विल रिस्पॉन्ड। थैंक यू।